नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन, यानी कि 8 अक्टूबर 2022 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आर्थिक स्थिरता को बनाने का है। आज का दिन अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर ध्यान देने का है। साथ ही साथ आज के दिन आप सभी उन पेंडिंग मैटर्स या इश्यूज को टेकअप कर पाएंगे जो इतने समय से आप कोशिश कर रहे थे हैंडल करने की, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। कुल मिला के आज का दिन आगे बढ़ने का है। वास्तविकता को समझिए, एग्जीक्यूट करिए अपने उन पेंडिंग प्लान्स को, जहाँ पर आप कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए। साथ ही साथ आज के दिन कोई महत्वपूर्ण सूचना, संकेत, निर्देश आपको किसी व्यक्ति विशेष से मिल सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिरता में काफ़ी ज़्यादा कारगर या पॉजिटिव हो सकता है। आज के दिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हुए ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय या डिसीजन लीजिए, खासतौर पर अगर वो यात्रा से संबंधित हो तो। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन निकटतम संबंधी के साथ आपका कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, शब्दों का चयन भी सोच समझ कर करें। छोटी सी चीज़ आपके लिए टेंशन का सबब बन सकती है, सोच के समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के दिन आपको अपनी परिस्थिति के अनुरूप चलने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, मन को शांत रखिए, साथ ही साथ अध्यात्म की तरफ आज के दिन आप बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ नई सूचना आपको 100% आज के दिन देखने को मिलेगी, या कुछ परिवर्तन या चेंज आएगा जो आपकी परिस्थिति को और ज़्यादा प्रबल या प्रभावशाली बनाकर जा सकता है, खास तौर पे अगर वो प्रोफेशनली हो तो। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा आज के दिन परेशानी का सबब बन सकती हैं, खासतौर से सेकेंड हाफ के दौरान। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है, खास तौर पे अगर आप बीपी से संबंधित किसी बीमारी से या ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं तो। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने पारिवारिक स्थिरता को मेंटेन करने के लिए कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा अवकाश, ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि आप अपनी परिस्थितियों के अनुरूप काम कर पाएँ, मन को शांत रख पाएँ, और सभी चीज़ों को एक साथ रख कर आप अपने मन को स्थिर कर कर कलेक्टिवली या परिवार के साथ कोई महत्वपूर्ण एक निर्णय ले पाएँ। आज के दिन परिवार के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम आपके स्ट्रेस फैक्टर्स को बैलेंस करके जा सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आपका कर्क राशि वालों, आज का दिन सामान्यता जाएगा, कुछ खास नयापन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चल रही हैं सिचुएशंस, परिस्थिति, अवस्थाएं चलती रहेंगी, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, मन को शांत रखिए, उन नकारात्मक तथ्यों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करिए जो बीच बीच में आपको चिंता का सबब आपके लिए बनते हैं या आपको परेशानी देते हैं। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव साझा होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के आज का दिन अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से इसको निभाने की कोशिश करें तो आपको अपनी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आज का दिन आपके लिए सभी चीज़ों को संतुलित करके चलेंगे तो आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस देखने को मिलेंगे, खासतौर से उन सभी मैटर्स में जहाँ पर आपको लग रहा था कि ये आपके हित में नहीं हो रहा है, चाहे वो लीगल केस हो, चाहे कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपके पक्ष में आना हो, चाहे आप किसी डील पे लगे हुए हों। अगर आप सारी चीज़ों को असिमिलेट या संतुलित नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं, असामंजस्य नहीं बना पा रहे थे, तो अब आप अपनी सूझबूझ के परिचय के कारण आज के दिन महत्वपूर्ण परिस्थिति अपने लिए डेवलप कर पाएंगे। साथ ही साथ परिवार में स्थिरता बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। परिस्थिति अनुकूल रहेंगी कन्या राशि वालों, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, मन को शांत रखिए, आगे बढ़ते चाहिए, निरंतर आपको प्रयासरत होना चाहिए। उन सभी परिस्थितियों को आपको रिव्यू करना चाहिए, उन सभी ट्रिगर्स को आज के दिन अवॉइड करना चाहिए जो आपको स्ट्रेस में डालते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष सिचुएशन, अवस्था या कंडीशन की वजह से आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो उन सबको तत्कालीन रूप से आज के दिन अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि यही चीज़ आपके स्ट्रेस फैक्टर को बढ़ाती है, जिसका इफेक्ट जो होता है वो आपके या तो हेल्थ पे होता है या निजी संबंधों पर आता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन विचारधाराओं को प्रबल करिए, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन या पेडेस्टल पे आप ऑलरेडी चल रहे हैं। प्रोफेशनली जो आप चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया है और आपको अब क्लैरिटी है कि किस तरह से अपनी चीज़ों को और मजबूती के साथ खड़ा करके आगे बढ़ा जाए। कहने का मतलब यह है कि प्रोफेशनली अब आपको पता है कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना चाहिए, किस तरफ आपको बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो परिवार की तरफ से आपकी स्थिरता, पॉजिटिविटी बनी हुई है। कुल मिला के पारिवारिक स्थिरता और आपकी अच्छी हो सकती है अगर आप सूझबूझ का परिचय दें। कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन भी आज के दिन आप ले सकते हैं, छोटी मोटी ट्रैवल भी परिवार के साथ कर सकते हैं जो आपके स्ट्रेस फैक्टर्स को और ज़्यादा मजबूत करके जाएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी या पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आ सकता है।
खासतौर पे निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कहीं अगर आप निवेश करने के लिए आतुर थे, कहीं कुछ सोच रहे थे कि परिस्थितियां आपके फेवर में आए, वो सभी अब आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो उस तरफ या उस पक्ष से, उस पहलू से आपको चिंतित रहने की अब जरूरत नहीं है। पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा। कोलैबोरेटिव अप्रोच आपको ऑफिस में लेकर चलनी है, जिसकी वजह से आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होगी और आपकी विजिबिलिटी आज के दिन कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती है। जो लोग निजी व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, आगे एक्सपेंशन के दौर में आ चुके हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण माना जाएगा। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। परिस्थिति अनुकूल रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा। कॉन्फिडेंटली चीज़ों को एड्रेस करिए, चलते चलिए। परिवार में स्थिरता बनी रहेगी, खास कुछ नयापन आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा। आप जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, कंट्रोलेबल हैं, अचीवेबल हैं, आपके प्लान्स, गोल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी परिस्थिति है। टाइम मैनेजमेंट भी आप कर पा रहे हैं, समय निकाल भी पा रहे हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए भी निकाल पा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपकी परिस्थिति और आपके लिए प्रभावशाली संकेत लेकर आ सकती है। निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन आपको कोई महत्वपूर्ण डील या कोई एक बिजनेस आइडिया मिल सकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। पारिवारिक स्थिरता मकर राशि वालों बनी रहेगी, परिवार में आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, साथ ही साथ माता पिता का सहयोग या बुजुर्गों का सहयोग बना रहेगा। परिवार में छुटपुट बहस हो सकती है दिन की शुरुआत में, लेकिन एट द एंड ऑफ इट परिवार एकत्रित ही रहेगा। उसमें कहीं से कोई विघटन या कहीं से कोई जुड़ाव ख़त्म होता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ। तो कुल मिला के छोटी मोटी चीज़ों से आज के दिन अपने मन को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली इंटैक्ट। इसमें आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है आज के दिन। अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना है। पारिवारिक स्थिरता बनी है, बनी रहेगी, छुटमुट बात से कोई भी बात बिगड़ने वाली नहीं है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन कार्यक्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, इसलिए सोच के समझ के सारे प्रोजेक्ट्स को, काम को टेकअप करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते चलिए। छोटी छोटी चीज़ों में आपको नकारात्मकता देखने को मिल सकती है, वहाँ पर आपको अपने सूझबूझ का परिचय देने की ज़रूरत है। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव साझा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ घर का कोई वृद्धतम सदस्य मीडिएटर, मध्यस्थ हो सकता है, नेगोशिएटिंग स्किल्स उसकी डेवलप हो सकती हैं या आप ही मध्यस्थ के रूप में उभर कर आ सकते हैं। कुल मिला के परिवार की तरफ आज के दिन आपका झुकाव होना सही है, क्योंकि आप परिवार के लिए कोई हितकर डिसीजन ले पाएंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए अनुकूलता बनी हुई है, कार्यक्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। सफलता के जिस रास्ते पर आप चल चुके हैं, अब कहीं ना कहीं से आपको और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा बना होगा, पराक्रम में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों से भी आज के दिन पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। विजिबिलिटी कार्यक्षेत्र में आपकी डेवलप होते हुए नजर आएगी। जो लोग निजी व्यवसाय में हैं, उसके एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, कुछ नई प्रोडक्ट लाइन लाने की सोच रहे हैं, वहाँ पर आपको सब चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। परिवार की तरफ से सपोर्ट बना रहेगा। कुल मिला के पारिवारिक स्थिरता आपकी और अच्छे से बनती हुई नजर आएगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।